नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एक बड़ी खबर आ रही है अंबेडकर नगर जनपद से। बसपा प्रत्याशी केडी गौतम ने पैदल चलकर रोड शो के माध्यम से कराया सभी को अपनी ताकत का एहसास। यह रोड शो आरोपुर बाजार से लेकर तहसील तक निकाला गया। बसपा प्रत्याशी केडी गौतम के रोड शो में उमड़ा युवाओं का जनसैलाब। वहीं कार्यक्रम के उपरांत जहांगीरगंज के अंतर्गत फतेहपुर खास निवासी कभी भगवाधारी हुआ करते थे, फिर उसके बाद जन अधिकार पार्टी के सदस्यता लिए सुनील कुमार मौर्य ने थामा बीएसपी का दामन। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि केडी गौतम को बहुमत के साथ चुनाव जिताएंगे और आलापुर से विधायक बनाएंगे। फिर अन्नापुर गांव में पहुंचकर मौर्य समाज के और लोगों को दिलाया गया पुनः बसपा की सदस्यता। इस मौके पर प्रबुद्ध समाज के वरिष्ठ भाजपा नेता गुड्डू चौबे, सुनील दत्त मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष बलराम निषाद, अजय मौर्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज जायसवाल, सुनील कुमार मौर्य, जिला पंचायत सदस्य पुनीत गौतम, जयप्रकाश मौर्य, प्रधान संजय शर्मा समेत तमाम बसपा के नेतागण मौके पर मौजूद रहे। देखे जनपद नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता अनिमेष श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। हमें अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेष श्रीवास्तव, पीयूष। चुनाव का समय काफी कम बचा हुआ है। अब इस तरीके से देखा जाए तो बीएसपी ने अपना हुजूम जो है हर तरीके से वर्चस्व कायम करने के लिए डोर टू डोर एक एक घर घर जा करके बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड अल्पसंख्यक सारे पे अपना दबिश देकर के अपने फेवर में करने का पूरा प्रयास कर रही है। आज अभी हम एक विधानसभा आलापुर के अंदर अन्नापुर गाँव में जा पहुंचे हैं, जहाँ पे बसपा प्रत्याशी मौर्य समाज में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए भी कुछ लोगों को बसपा की सदस्यता भी दिलाई है। आइए हम कुछ बात करेंगे इनसे। प्रत्याशी जी, ये बताइए आप कि निरंतर देखा जा रहा है कि अदर पार्टी के लोग भाजपा से और सपा से बसपा में जा रहे हैं लगातार, क्या कह रही हैं आप? बसपा में इसलिए आ रहे हैं कि बसपा में बहन कुमारी मायावती जी जो काम करती हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करती हैं, सर्व समाज के लिए काम करती हैं, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती हैं। और 10 साल से लोगों ने ये देखा कि कोई विकास नहीं हो रहा आलापुर में, इसलिए सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं और बसपा की सदस्यता ले रहे हैं। आज सुबह मौर्या जी लोगों ने कुछ ज्वाइन किया और कुछ करीब 100 लोगों के ऊपर निषाद ने ज्वाइन किया। फिर वही बात आ रही चल करके सामने कि इतनी जबरदस्त समय बहुत कम है और फिर भी आप जन अधिकार पार्टी बसपा भाजपा में रहने वाले व्यक्ति को बहुत तेजी से आपने खींच लिया, क्षेत्र में लोग आश्चर्य पड़े हुए हैं। और अभी देखिए, अभी और तो सुनिए, जो अन्नापुर में हम खड़े हैं ये बाबू सूरज सिंह और मुकेश कुमार ने अभी आपके सामने सदस्यता ग्रहण की। तो निरंतर मौर्या लोगों पे फोकस बहुत तेजी से आपका चल रहा है, अभी गणपतपुर में, फिर फतेहपुर में, फिर इधर आकर के अन्नापुर में बहुत तेजी से आपका वर्चस्व चल रहा है, क्या आपने गाइडलाइन कर दिया अलग से? मौर्या लोगों को अब समझ में आ गया है कि हम गलत काम कर रहे थे, गलत रास्ते पर चले गए। पहले हम बीएसपी में थे और बीएसपी में कई राजमंत्री, मंत्री, 30 नगर अध्यक्ष, इतना सम्मान मौर्या को मिला था, तो उनको पछतावा हो रहा है, इसलिए वो वापस अपने घर में आ रहे हैं। जब आप शुरू में चुनावी सफर में आई तो डोर टू डोर घर घर जाके जनसंपर्क कर रही थी, तो कुछ लोग तो अदर दल में थे, अब काफी संख्या में आपके साथ लोग हैं, अब आप अपने आप को कितना मजबूत समझ रही हैं? मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझ रही हूँ। चारों तरफ एकदम फिजा हो गई है बसपा की और सर्व समाज के लोग एकदम से नारा लगा रहे हैं बसपा जिंदाबाद। आलापुर में 2 ब्लॉक है, जहांगीरगंज और रामनगर, तो लगभग कितने बूथों का आपने सर्वे कर लिया है? हमने 404 बूथ का सर्वे कर लिया, आज हमारा सर्वे पूरा हो गया 404 बूथ का। तो 3 मार्च को मतदान होने हैं, 10 तारीख को इसका परिणाम आना है, तो आपको क्या लग रहा है क्या स्थिति जाएगी? स्थिति ये जाएगी जब मतपेटी खुलेगी।